बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोग आए हुए हैं 90 मुक्का चौक अजीज़ाबाद। वैसे आप लोग तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मशहूर जगह है। हम इलेक्शन के हवाले से यहाँ रिन्यू करने आए हैं। वालेकुम, हम आसिफ स्मार्टी की तरफ से 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं उसके हवाले से कुछ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप हमें बताएंगे कि आप कौन सी पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसको ज़्यादा मतलब देखिए, ख्वाहिश तो हमारी यही थी कि जो है ना इस वक्त जमात इस्लामी आ जाए कराची में, क्योंकि हमारे मुकामी लोग हैं, कराची के मसले मसाइल को समझते हैं, ठीक है, और अच्छे मुखलिस लोग हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मसला ये है, बल्दियात में जो हमने देखा जमात इस्लामी को, हमने भी घर से निकल के वोट दिए, हालांकि मैं MQM पाकिस्तान का वोटर सपोर्टर हूँ, लेकिन इस वक्त जरूरत जमात की थी, हमने जमात इस्लामी को वोट दिए। लेकिन मसला ये, जमात इस्लामी के जो वोट थे वो पीपल्स पार्टी कैप्चर कर गई, ठीक है ना, उसका रिजल्ट नहीं मिला जमात इस्लामी को जितने उसको वोट मिले। इस वजह से हम ये पीपल्स पार्टी अगर कराची से या सिंध से तो नहीं, खैर कराची से खत्म करने के लिए हमें मजबूरन पाकिस्तान MQM का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरन, शौक से नहीं मजबूरन, वो इसलिए कि MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज ये दोनों आ रहे हैं पीछे वोट पैनल से, तो इनके वोट काटना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए जो है वो अगर MQM पाकिस्तान आती है तो कराची के मुकामी जो है MPA और MNS बन सकता है, ठीक है। मेरी ख्वाहिश थी कि जमात इस्लामी के लोग आते हैं, पढ़े लिखे दीनदार अच्छे लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि वो पीपल्स पार्टी कैप्चर कर जाएगी। और कुछ चले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम, मैं वासिफ स्मार्टी की तरफ से 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके हवाले से इंटरव्यू ले रही हूँ, तो आप मुझे बताओगी कौन सी पार्टी को ज्यादा पसंद करती हो, किसको वोट देना चाहती हो? जी इमरान खान को। इमरान खान को वोट देने की वजह? जी वो बहुत अच्छे इंसान है। जी वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी उसने बहुत कुछ किया है, हम उनको वोट देंगे। तो मतलब आपने सोचा भाई कि आपने इमरान खान को वोट देना? जी बिल्कुल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वासिफ स्मार्टी की तरफ से अंकल 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके हवाले से हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, किसको ज्यादा पसंद करते हैं? बेटा अभी तो सोचा तो है जमात इस्लामी का। जी बिल्कुल, आगे जाके देखें अल्लाह करे, कोई और को सेटिंग हो सकती है, नहीं सकते हैं। इरादा तो ये क्या है कि जो हमें बेहतर लगेगा हैं मौके पे उसको देंगे। ठीक, तो यानी आपने जमात इस्लामी को वोट देने की वजह? अंकल वजह बेटा ये है कि ये जरा हमारे को पार्टी अच्छी लगती है। जी बस ये वजह है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं वासिफ स्मार्टी की तरफ से 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके हवाले से आंटी इंटरव्यू ले रही हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कौन सी पार्टी को ज्यादा पसंद करती है, किसको वोट देना चाहती है? पहले तो बहुत वोट दिया पीपल्स पार्टी को, मगर हम लोग देते पीपल्स पार्टी। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी को वोट देने की वजह? वजह ये कि काम अच्छा कराते हैं हमारे यहाँ। अच्छा ठीक, आपने सोचा हुआ कि पीपल्स पार्टी को वोट देना है? ठीक है आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वासिफ स्मार्टी की तरफ से इलेक्शन 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके हवाले से इंटरव्यू ले रही हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, किसको ज्यादा पसंद करते हैं? वैसे तो MQM का हक है इधर कराची, टोटल उर्दू बोलने वाले हैं जी, काफी लोग हैं, यानी कि पंजाबी भी पठान भी जी, टोटल पार्टी मुत्तहिदा में आ गए MQM में, तो मुत्तहिदा को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये मुकामी कराची की पार्टी है। मुत्तहिदा को सपोर्ट करने की वजह? देखिए वजह ये है कि पहले मुशर्रफ के दौर में उन्होंने काफी काम करवाया है यहाँ पे, किसी की भी हुकूमत आती है यहाँ कोई काम कराची में नहीं होता है। जी जी ठीक है जी, और मुशर्रफ के दौर में काफी काम हुआ है इधर जी, उसके बाद कोई काम हुआ है आपने देखा है? जी वो बात ठीक है, यानी आपने सोचा हुआ है कि मुत्तहिदा को देना है। ओके सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह वालेकुम। मैं वासिफ स्मार्टी की तरफ से 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके हवाले से इंटरव्यू ले रही हूँ, तो आप मुझे बताएंगे सर के मतलब कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, किसको ज्यादा पसंद करते हैं, और कौन सी पार्टी ने हमारे शहर के लिए क्या करा है? मैं तो अभी तक इस परेशानी में हूँ कि और ये सोचता हूँ कि किस को वोट दिया जाए, इसलिए कि मुझे नहीं नज़र आता है कि किसी कोई कि एक पार्टी के पास भी कोई एक ऐसा काम भी है जिसकी बुनियाद पर जो है ये मैं कहूँ कहाँ ये पार्टी 19 से 20 है, 20 से 19 है, बेहतर है जी।
जी, तो मैं अभी इसी तक इसी परेशानी में हूँ। ना पीपुल्स पार्टी का कोई ऐसा किरदार नजर आता है, ना एमपीओ का नजर आता है, ना जमात इस्लामी तो खैर इख्तियार में रहे ही नहीं है, ना इमरान खान पीटीआई का कोई ऐसा किरदार नजर आता है। लिहाजा अभी तक मैं इस कंफ्यूजन में हूँ। लेकिन हाँ, पीपुल्स पार्टी कराची शहर में बरसर इख्तियार हमेशा रही है, जब से मैंने देखा बरसर इख्तियार रही है। लेकिन उनका भी कोई ऐसा काम नहीं है, नहीं है। कराची में जो हालात है वो सड़कों का मामला है वो सबके सामने है, उसके बाद सीवरेज का मामला सबके सामने है, सुई गैस का मामला सबके सामने है। चले हम के इलेक्ट्रिक की बात नहीं करते जो बिजली जा रही, क्योंकि वो उनके हाथ से निकला, वफाक के पास है। लेकिन जो दूसरे निजी सूबाई मसाइल हैं उनके उन पर तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को कोई रिलीफ मिला। उसके बाद जो कोटा सिस्टम का निज़ाम है कराची में, कराची में जो कोटा सिस्टम का निज़ाम है, तीन सूबे में कहीं नहीं है, तीन सूबे में कहीं नहीं है। कराची एक अकलौता सूबा है जहां पर कोटा सिस्टम का निज़ाम मौजूद है। तो फिर ये किसके साथ ज्यादती हो रही है? और उसके बावजूद हमसे अगर पूछे कि किसको वोट देंगे, तो या तो हमारे अकल पर पर्दा है जी। या हमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आई और हम खुद अपनी हाथों जो है अपनी किस्मत खराब। मतलब आपने कुछ तो सोचा होगा कि मतलब इस पार्टी को दे दूंगा, क्या पता ये पार्टी आकर हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। कोई फरिश्तों की पार्टी आएगी तो दूंगा, अभी तो कोई पार्टी ऐसी नजर नहीं आ रही है जी। क्योंकि माशाल्लाह ये सब बोलते तो ऐसे हैं और बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है जी, इस तरीके से बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं कि हमने ये किया, ये किया, वो किया, वो किया। लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि कराची की आवाम जो है शऊर रखती है, ऐसा है कि हम जो बोलेंगे उसको समझ सकेगी, और उसके बाद हमारा जो है मोराल क्या होगा ये भी नहीं समझ पाती है। तो देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई बेहतर फैसला कर नहीं पाए हैं, क्योंकि मुझे कोई कराची की अगर एक फैसला कर भी लेते हैं आप तो फिर भी मतलब कुछ कोई आजाद उम्मीदवार को दूंगा अभी तो, इसलिए कि मुझे तो कोई जो ग्रुप पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, इनमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है, नजर आ रही है जिसके लिए आपने सोचा है। बल्कि हो सकता है दे करके इनको, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भाई किस बुनियाद पर वोट दिया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हम लोग इंटरव्यू लेना, तो आप क्या कहना चाहेंगे और किसको वोट देना पसंद करेंगे? मैं इमरान खान को देना वोट पसंद करूंगी जी। मुझे वही लगते हैं कि उनको देना चाहिए, और पिछली दफा भी मैंने उन्हीं को दिया था। अच्छा, मतलब कि क्यों देना चाहिए, किस हवाले से देना चाहिए? हर हवाले से वही बेहतर है, बाकी तो सारे चोर हैं। अच्छा जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दमथल स्वीट आयशा मंजिल, यहाँ से मालूम करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं लोगों का कि वोट के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से क्या सोच है, क्या कर रहे हैं लोग और किसको वोट डालेंगे। ये तो आपको पता ही है कि ये 90 का इलाका है, अजीज़ाबाद आयशा मंजिल एमकेएम का गढ़ रहा एक ज़माने में। यहाँ पे टोटल आबादी जो है तकरीबन जो काउंट हुई हुई है 9,70,000, वोट जो इसके जो काउंट हुए वोट 5,70,000 वोट जो हैं वो यहाँ पर एंट्री है। अब देखते हैं लोग किससे बात करने की कोशिश करते हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं काफ़ी। भाई लोग यहाँ बात करना नहीं चाह रहे हैं, ज़्यादातर लोग तब्दीली चाहते हैं लेकिन तब्दीली के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते। डालेंगे क्या नज़रिया आपका, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? अभी तो डिसाइड ही नहीं किया, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, क्या समझ नहीं आ रहा। डालेंगे तो ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। तो फिर भी कुछ इरादा है जरूर डालेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे। और कोई बात करना चाहे इलेक्शन के हवाले से तो बताएं। इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन अभी तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई कंपेन कोई वो मतलब होगा भी कि नहीं नजर आ रहे हैं, झंडे ही नजर आ रहे हैं ना। अच्छा, काम नजर नहीं नजर आ रहे, मगर होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा ये नहीं पता। अच्छा, अगर हुए इंशाल्लाह तो फिर इंशाल्लाह तो कोई इरादा बताएंगे, मैं बता दूंगा तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम क्यों नाराज होंगे भाई, हम तो गैर जानिबदाराना कर रहे हैं। अगर अगर डालेंगे तो हम नून लीग को डालेंगे, नून लीग को डालेंगे माशाल्लाह, तो अपनी भी पसंद है, इसमें हम नाराज होने की क्या बात है। ठीक है, तो मुल्क के लिए बेहतरी हो बस, कोई भी आया हमारा मसला नहीं है। आप बताएंगे भाई किसको देंगे वोट? अच्छा, ये भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताएंगे वोट किसको डालेंगे? वोट है नहीं हमारा। वोट है नहीं आपका? क्यों, शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ? बना है, पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया। ओहो, अच्छा, चले आप बताएं सर। अच्छा, चले अल्लाह करे तस्लीम कर लेंगे तो डाल देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर कर रहा होता तो किसको डालते? तो कर रहा होता जब देखते। अच्छा, आप बताएंगे सर किसको डालेंगे वोट? तो जहन बनाया था, लेकिन जिसको डालने जिस पार्टी से वो लौटा आया है उस पार्टी का, दूसरी पार्टी से तो समझ में नहीं आ रही अब क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब जिसको देना चाह रहे थे कि इस पार्टी को देना है, सही। अब वो जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो दूसरी पार्टी से है।
अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है ना, देंगे लेकिन वोट सोच समझ के देंगे। अच्छा अच्छा चलो अभी डिसाइड नहीं है फाइनल। हाँ, ये छोटा वोट लेता जाएगा, यूँ समझ लो कि बड़ा वोट लेता जाएगा। अच्छा बड़ा वोट यानी कौमी का अलग डालेंगे और सुबाई का अलग डालेंगे? छोटा वोट नून लीग को डालेंगे, छोटा वोट यानी नून लीग को डालेंगे और बड़ा वोट किसको डालेंगे? बड़ा वोट डालेंगे हो सकता है जमात इस्लामी को डाले, जमात इस्लामी को डाले कराची का। ठीक है शुक्रिया भाई। वोट के बारे में पूछना चाह रहे हैं किसको वोट किसको डालेंगे, कौन सी पार्टी को सही समझते हैं कराची के हिसाब से आप? इमरान खान का अच्छा माशाल्लाह सही सही। चले अल्लाह ताला जो भी आए वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो। तो इमरान खान बहुत सारे लोग हैं जो कि बात करना नहीं चाहते हैं इलेक्शन के हवाले से, वोट डालना नहीं चाहते हैं क्योंकि मायूस हो गए बार बार वोट को डाल के और फिर मायूस होते हैं, खासतौर पर जब कैंडिडेट उनको डालते हैं नून लीग से पता चला वो हो गया, पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी को डालते हैं पता चला वो हो गया पीटीआई के अंदर, तो वो सब बड़ा बजन हो गए कि कैंडिडेट पे और उस पर भरोसा नहीं रहा वोट इनका। कल मेरे एक साहब से बात हो रही थी, कह रहे थे मैंने तराजू को बल्दियात में डाला था बड़ा दिल से, लेकिन उनके साथ हाथ हो गया, उनके जो वोटिंग है वो पीपल्स पार्टी के हक में डाल दी गई और उनका मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का बना दिया गया ज़बरदस्ती, तो इसलिए लोग बजन हो गए। तो अक्सर तो बात ही नहीं करना चाहते, जो करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको वीडियो बता दिया है। ओके जी मिलते हैं नेक्स्ट सर्वे के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते हैं और हमारी वीडियो को हमेशा देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।